जौनपुर में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक विद्यालय के प्रबंधक का वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें बदलापुर विधायक पर सेंटर के नाम पर रंगदारी देने का आरोप लगाया जा रहा है और इसे लेकर समाजवादी के ट्विटर हैंडल से बीजेपी विधायक पर गुंडा टैक्स लेने का आरोप लगाया गया। प्रबंधक का वीडियो भी ट्विटर पर टैग किया गया है, जिसमें प्रबंधक ने पूर्व बदलापुर सपा विधायक बाबा पर विधायक निधि के 50 लाख में 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। इसमें लिखा है कि जिले में सत्ता की हनक का असर दिखा, बीजेपी विधायक ने शिक्षण संस्थान के संचालक से गुंडा टैग वसूला और उसका उत्पीड़न किया। से रिक्वेस्ट किया कि विधायक जी हम कैसे आपको दे सकते हैं, मैं तो अभी चंदा लेता हूं, चंदा लेकर के ही विद्यालय बनवा रहा हूं, तो मैं आपको 20 लाख क्यों दूं। विधायक ने कहा ठीक है हम देख लेंगे। इसी दौरान में ये बातें समाप्त हो गई, तब ये जो है गुस्से में आकर के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को एक पत्र लिखते हैं कि श्री राम लखन सिंह शिक्षण संस्थान नकारा खान देव के नाम से जो विद्यालय चलाया जा रहा है, एक ही भवन और एक ही भूमि पर कई विद्यालय चल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास आप देख रहे हैं 3 खंड में बिल्डिंग बनी हुई है और सारे मानक हम पूरा करते हैं। उसकी वीडियो में अगर आप पूरा सुनोगे वो सब कुछ बता रहा है कि सपा की सरकार में मैंने ऐसे ऐसे लिया था, मैं 150 रुपए की साइकिल चलता था, आज मैं करोड़ों रुपए का मालिक हो गया हूँ और उसके जितने विद्यालय की मान्यता है सब सपा की सरकार में, पैसे दे करके उसने सपा की सरकार में ऐसे गलत तरीके से उसने मान्यता हासिल किया है और बच्चों को नकल करा करके उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी करें, ट्वीट करें या चाहे जो करें, हमारी सरकार ऐसे माफियाओं को जेल में बंद करा करके मानेगी।